नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करता हूँ जो तुम्हारी अर्थिंग से संबंधित तुम्हारी वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करता हूँ। तो दोस्तों जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे तुम्हारी वीडियो बढ़िया लगे तो साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले दिया इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यह तुम्हारा प्लेट भूषण प्रकरण के लिए, दोस्तों क्या दिया तुम्हारा प्लेट भूषण प्रकरण के लिए कम से कम कितने साइज के तांबे की प्लेट प्रयोग की जाती है। दोस्तों इसके जो तांबे की प्लेट जो साइज की यूज की जाती है तुम्हारी 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर गुणा कितना होता है तुम्हारा 6.30 mm साइज की तुम्हारी कॉपर की प्लेट प्रयोग की जाती है। दोस्तों किसकी की जाती है तुम्हारी कॉपर की प्लेट प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों इसमें प्लेट भूसंपर्कन, क्या बोल सकता हूँ, प्लेट भूसंपर्कन के लिए कम से कम कितने साइज की GI प्लेट का प्रयोग किया जाता है। अब मैं जिससे पहले दोस्तों बताई थी तुम्हारे जो कॉपर की प्लेट बताई थी, अब ये GI प्लेट है। GI प्लेट का साइज होता है दोस्तों 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर गुणा होता है तुम्हारा 3.15 होता है। दोस्तों कितना होता है 3.15 mm GI प्लेट का प्रयोग किया जाता है तुम्हारे ये जो बोल सकते हैं प्लेट अर्थिंग के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा एक उच्च भूसंपर्कन का आदर्श मान होना चाहिए, इसका जो आदर्श मान होता है दोस्तों कितना होता है तुम्हारा 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारी स्क्रीन पर, यानी भू इलेक्ट्रोड की गहराई कितने से कम नहीं होनी चाहिए, यानी तुम्हारे जो यानी बोल सकता हूँ अर्थ इलेक्ट्रोड, क्या बोल सकता हूँ, अर्थ इलेक्ट्रोड की जो गहराई होती है तुम्हारी कम से कम 1.25 मीटर से ऊपर ही रखते हैं हम, कितने रखते हैं 1.25 मीटर, या बोल सकते हैं 1.5 मीटर से ऊपर रखें, या कहीं कहीं 2 मीटर से भी क्या रखते हैं ऊपर रखते हैं। तो हमेशा हमें 1.25 मीटर से क्या रखते हैं, या बोल सकते हैं 1.25 मीटर से हमेशा क्या रखते हैं भू इलेक्ट्रोड की गहराई कैसे रखते हैं, इससे अधिक रखते हैं, इससे कम नहीं रखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें जैसे दिया तुम्हारा नमक तथा कोयले का प्रयोग भूसंपर्कन में किस लिए किया जाता है। दोस्तों जो नमक का और इसमें जो कोयले का प्रयोग किया जाता है, जो कोयला होता है तुम्हारा लकड़ी वाला कोयला होता है या चारकोल वाला कोयला होता है, जो इसका जो इसमें जो यूज किया जाता है जो अर्थ को या बोल सकते हैं भूके प्रतिरोध को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी जिसके कारण जैसे नमी बनी रहती है, जैसे अर्थ के अंदर क्या बनी होती है नमी बनी रहती है, जिससे क्या होता है तुम्हारा प्रतिरोध का मान कैसा हो जाता है तुम्हारा कम हो जाता है। नेक्स्ट में जैसे बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा प्लेट इलेक्ट्रोड से भूसंपर्कन करने से प्लेट को जमीन में 1.5 मीटर नीचे दफन किया जाता है। दोस्तों इसमें जो प्लेट अर्थिंग में तुम्हारी भूसंपर्कन करने के लिए अर्थिंग करने के लिए प्लेट को जमीन में 1.5 मीटर नीचे दफन किया जा सकता है, यानी दफन माने क्या होता है नीचे गड्ढे में क्या करता है 1.5 मीटर गड्ढाई में क्या करता है तुम्हारा प्लेट को हमें डाला जाता है। प्लेट के चारों ओर नमक व कोयले की कितनी मोटी परत बिछाना चाहिए, यानी इसमें प्लेट के चारों तरफ क्या बोल सकते हैं चारों ओर नमक और कोयले की जो परत की मोटाई होती है तुम्हारी 15 सेंटीमीटर नमक होता है और 15 सेंटीमीटर क्या होता है कोयले की परत बिछाई जाती है, यानी हमें जो यूज की जाती है तुम्हारी जैसे तुम्हारी प्लेट अर्थिंग है, जैसे मैं डायग्राम में इसी में बताऊं, जैसे प्लेट अर्थिंग मैंने बनाऊँ यहीं पर, जैसे इस कंडीशन से मैंने क्या बना दी एक प्लेट अर्थिंग बना दी या प्लेट बना दी, तो इसमें क्या होगा जैसे 15 सेंटीमीटर क्या होगा तुम्हारा नमक पड़ा होगा, जैसे मैंने इतना मान लिया 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर क्या होगा इसमें ऊपर तुम्हारा चारकोल पड़ा होगा या बोल सकते हैं कोयला, क्या होगा तुम्हारे 15 सेंटीमीटर के अनुसार क्या होते हैं तुम्हारे कोयला और नमक डाला जाता है। तो नेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ पर मैंने इस कंडीशन में नीचे क्या डाला तुम्हारा जैसे नमक डाला, क्या डाला नमक, नमक के बाद क्या होगा तुम्हारा कोयला होगा, क्या होगा दोस्तों कोयला होगा, और कोयले के बाद होगा तुम्हारा फिर क्या होगा तुम्हारी नमक की पट्टी होगी, नमक के बाद फिर क्या होगा तुम्हारा कोयला होगा। इस कंडीशन से क्या डाला जाता है इसके अंदर नमक व कोयला डाला जाता है, जिससे तुम्हारी प्लेट के अंदर क्या नमी बनी रहती है, नमी बनी रहेगी तो ऐसी कंडीशन में इसका रिएक्शन कैसा हो जाएगा तुम्हारा अर्थ का रिएक्शन कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा भूसंपर्कन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले भूतार का साइज सामान्यतः में से सही है, यानी इसमें भूतार के या बोल सकता हूँ मैं अर्थ के लिए प्रयोग किए जाने वाले यानी अर्थ वायर का साइज होता है तुम्हारा 14 स्टैंडर्ड वाइज गेज का, कितना होता है तुम्हारा 14 स्टैंडर्ड वाइज गेज यानी कॉपर का होता है, और 12 स्टैंडर्ड वाइज गेज आर या बोल सकते हैं 70 या बोल सकते हैं 70
मैम क्या क्या होता है तुम्हारा, साज का क्या होता है तुम्हारा, अर्थिंग वायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, ये याद तुम्हारा, श्रेणी सी का वैद्युतरोधी पदार्थ कितने तापमान सहन कर सकता है बिना अपना वैद्युतरोधी गुण खोए हुए, यानी 180 डिग्री से अधिक हो, क्या हो तुम्हारे 180 डिग्री से क्या हो अधिक हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है वो वैद्युतरोधी का गुण खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों इसमें, प्रत्येक भवन में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत किसे अनिवार्य रूप में स्थापित किया जाता है, यानी हमें हमेशा कोई भी जैसे हमें भवन या वैद्युतिक वायरिंग करनी है तो ऐसी कंडीशन में अर्थ को हमेशा अनिवार्य रूप में स्थापित किया जाता है, किसमें क्या अर्थ को हमेशा अनिवार्य रूप में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, अर्थ संयोजन का प्रतिरोध कितना होता है, यानी अर्थ संयोजन का प्रतिरोध होता है तुम्हारा, या अर्थ का कनेक्शन का प्रतिरोध होता है हमेशा एक से कम होता है, कितना होता है एक से कम होता है या बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, प्लेट भू संयोजन विधि किन स्थानों के लिए उपयुक्त होती है, यानी जो प्लेट भू संयोजन विधि होती है तुम्हारी नमी वाले स्थानों के लिए कैसी होती है तुम्हारी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, नेक्स्ट में बात करता हूँ, प्लेट भू संयोजन में गड्ढे के ऊपरी सिरे पर जल पाइप को किससे जोड़ दिया जाता है, यानी इसमें जो जल पाइप को हमेशा फनल से जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, फनल होती है उससे क्या होता है जोड़ा जाता है, जिससे फनल से होकर क्या डालता है पानी डाला जाता है किसके अंदर तुम्हारे जो प्लेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों इसमें, भू संयोजन पाइप के चारों ओर कितनी चौड़ाई में नमक को डाला जाता है, इसमें नमक की को डाला जाता है तुम्हारे 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई में डाला जाता है, कितने तो 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, भू संयोजन या बोल सकते हैं अर्थ कनेक्शन में प्रयुक्त फनल कैसी होती है, यानी जो अर्थ यानी अर्थ के कनेक्शन में जो प्रयुक्त होती है फनल होती है तार की जाली से बनी फिल्टर सहित होती है, यानी उसमें फिल्टर ऐसी होती है कि उसमें कूड़ा कबाड़ा ना अंदर डल जाए, इसके लिए सब कैसी होती है तुम्हारी वो फिल्टर सहित होती है, जाली सहित होती है, कैसी होती है जाली सहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, जीआई वाशर तथा सॉकेट का आंतरिक व्यास कितना होना चाहिए, यानी इसमें जो जीआई वाशर का यूज किया जाता है दोस्तों ये कितना होता है तुम्हारा 12.7 mm साइज का तुम्हारा आंतरिक व्यास का तुम्हारा जो जीआई वाशर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ इसमें, जनरेटिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर कितने अर्थ स्थापित किए जाते हैं, जो तुम्हारे एक होता है तुम्हारा जनरेशन होता है, एक होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पर तुम्हारे स्टेशन होते हैं वहाँ पर तुम्हारे प्रत्येक पर कम से कम दो अर्थ स्थापित किए जाते हैं, ऐसी कंडीशन में दो अर्थ का इसलिए यूज किया जाता है कि कहीं कहीं एक अर्थ खराब ना हो जाए, ऐसी कंडीशन में हमें दोहरे अर्थ की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोहरे जहाँ पर दोहरे अर्थ की आवश्यकता हो यानी एक खराब होने पर दूसरा अर्थ क्या सा हो तुम्हारा वहाँ पर यूज किया जा सके। नेक्स्ट में बात करता हूँ इसमें, प्रत्येक वायरिंग में भू संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का कुल प्रतिरोध कितना होता है, तो दोस्तों इसका जो जो तुम्हारे अर्थिंग के लिए प्रयुक्त तार का कुल प्रतिरोध होता है तुम्हारा 1 ओम तक होता है, या बोल सकते हैं 1 ओम से कम होता है, जैसे तुम्हें भू सत्ता संयोजन या बोल सकते हैं भू संस्थापन में तुम्हारे 1 ओम होता है, और जैसे बड़े शक्ति संयंत्र होते हैं दोस्तों क्या होते हैं बड़े शक्ति संयंत्र होते हैं उसमें उसका रेजिस्टेंस होता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है कितना होता है 0.5 ओम से कितना होता है 1 ओम तक होता है। जैसे छोटे उपकेंद्र हैं जैसे दोस्तों मैंने बताया था छोटे उपकेंद्र हैं तो छोटे उपकेंद्रों के लिए क्या होता है तुम्हारा 2 ओम होता है, कितना होता है तुम्हारा 2 ओम, क्या बोल सकते हैं छोटे उपकेंद्रों के लिए, इसके लिए तुम्हारा छोटे उपकेंद्रों के लिए कितना बताया था मैंने 2 ओम होता है, यानी छोटे उपकेंद्र के लिए क्या होता है सबसे अधिक होता है। और जैसे मैं बताऊं इसमें नेक्स्ट जैसे बात करूं अन्य वैद्युत स्थापना में तुम्हारे 2.5 ओम से 5 ओम तक भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूं, नेक्स्ट में ईएलसीबी का पूर्ण नाम है दोस्तों, ईएलसी का ई का मतलब है तुम्हारा अर्थ और तुम्हारा लीकेज और सर्किट ब्रेकर, तो इसे बोल सकते हैं ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया तुम्हारा ईएलसीबी युक्ति रिले को समान वोल्टेज धारा चालित होने पर कितनी लीकेज धारा पर चालित होती है, यानी तुम्हारी ये होती है तुम्हारी 100 mA धारा पर क्या होती है तुम्हारी प्रचालित होती है, क्या बोल सकते हैं ये वोल्टेज धारा चालित होने पर कितनी लीकेज धारा प्रचालित करती है तुम्हारी 100 mA पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, यदि इष्टे तार में भूतल से 3.05 ऊंचाई पर इंसुलेटर न लगा हो तब किसे अर्थ करना
आवश्यक है। ऐसी कंडीशन में हमें जो तार यानी ये पुल होता है, पुल के अंदर क्या होता है, एक स्टेपर लगा होता है, या बोल सकते हैं उसे खेच बोलते हैं, तो एक स्टे तार को अर्थ करना आवश्यक होता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, एक विधि में गड्ढे में भू संयोजन प्लेट को ऊर्ध्व स्थिति में स्थापित कर उसे भू संयोजन तार से नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कथन में भू संयोजन की किस विधि की ओर संकेत किया जाता है, यानी ऐसी कंडीशन में तुम्हारी क्या कौन सी विधि होगी, तुम्हारी प्लेट कौन सी होगी, तुम्हारी प्लेट अर्थिंग होगी दोस्तों, कौन सी होगी, तुम्हारी प्लेट अर्थिंग होगी। नेक्स्ट में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया तुम्हारा, इसमें जैसे मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, सभी वैद्युत चालित मशीनें, जितनी भी तुम्हारी मशीनें हैं तुम्हारी, जिसमें उपकरण स्टार्टर मेन स्विच आदि को धातु उपकरणों को अर्थ किया जाता है। जितने भी तुम्हारे स्टार्टर होते हैं, जैसे मैं बोलूँ स्टार्टर होता है, उपकरण होते हैं तुम्हारे, मेन स्विच होते हैं, आदि को क्या करिएगा तुम्हारा, हमेशा अर्थ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, अर्थ संयोजन का प्रतिरोध कम होने के कारण लीकेज धारा, यानी ऐसी कंडीशन में लीकेज धारा क्या होगी, पृथ्वी में चली जाती है, क्या होती है तुम्हारी जो लीकेज धारा होती है, हमने अर्थ का कनेक्शन का प्रतिरोध कैसा हो कम हो, तो ऐसी कंडीशन में तो हमेशा जो धारा बहती है, हमेशा जो धारा बहती है लो रेजिस्टेंस की ओर बहती है, तो ऐसी कंडीशन में जो पृथ्वी का अंदर जो इलेक्ट्रोड होगा, या बोल सकते हैं जो अर्थ होगा, अर्थ का रेजिस्टेंस कैसा होगा, बहुत कम होगा। ऐसी कंडीशन बहुत कम होने पर धारा क्या हो जाएगी तुम्हारी, हमेशा लीकेज धारा क्या होगी, पृथ्वी की ओर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, भारतीय वैद्युत नियम के अनुसार भू संपर्कन के प्रमुख तत्व, यानी भू संपर्कन के जो प्रमुख तत्व होते हैं, सबसे पहले दिया नंबर वन दिया इसमें, जिसका संस्थान के लिए भू संपर्कन किया जा रहा हो, भू संपर्कन की दूरी उससे कम से कम 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए। दोस्तों इसमें जैसे हम बात करें, जैसे कोई संस्थापन है, या बोलते हैं संस्थान के लिए हमें भू संपर्क करना है या अर्थिंग करनी है, तो ऐसी कंडीशन में अर्थिंग की दूरी कम से कम हो जाए 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए, या बोल सकते हैं कम से कम 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए, यानी तो हमेशा जैसे कोई तुम्हारा मकान है, मकान के हमेशा दीवार के साइड में नहीं अर्थिंग करनी चाहिए, हमेशा मकान से 1.5 मीटर दूरी पर, हमेशा क्या करना चाहिए, दूरी पर हटकर क्या करनी चाहिए, उसमें अर्थिंग करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया तुम्हारा, क्वेश्चन दिया इसमें दो दिया है, इसमें बात करता हूँ, भूतार को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए इसे भूमि तल से कम 30.5 सेंटीमीटर नीचे से तथा 12.7 mm व्यास के GI पाइप ले जाना चाहिए, यानी हमें कोई भी तुम्हारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, या बोल सकते हैं मैकेनिकल लॉस को बचाने के लिए, तो जो अर्थवार है तुम्हारा, तो भूमि तल से कम कितना हो जाए 30.5 सेंटीमीटर कैसा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तथा 12.7 mm व्यास के GI पाइप ले जाना चाहिए ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट दिया तुम्हारा इसमें थर्ड की बात करता हूँ, तो भू संपर्कन के लिए पाइप इलेक्ट्रोड, जो भू संपर्कन क्या होता है तुम्हारा, पाइप इलेक्ट्रोड धातु के एक टुकड़े में तथा पेंट रहित होना चाहिए, तथा यह पाइप 38 mm तथा भीतरी व्यास GI की होनी चाहिए, यानी जितना जिसका जो भीतरी व्यास है वो किसका होना चाहिए तुम्हारे GI का होना चाहिए। नेक्स्ट दिया तुम्हारा फोन नंबर दिया है, पाइप अर्थिंग के लिए भू इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जो भी तुम्हारी पाइप अर्थिंग के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी गहराई 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया तुम्हारा पाइप नंबर दिया है, जहाँ भू संपर्कन के लिए भूमि उपलब्ध हो, जहाँ तुम्हारे अर्थिंग के लिए कैसे हुए भूमि उपलब्ध हो, तो समांतर क्रम में बहुत से भू संपर्कन या अर्थिंग जोड़कर भू प्रतिरोध को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं, यानी हमेशा रेजिस्टेंस को हमें कम करना है, तो समांतर क्रम में क्या होंगे, जो तुम्हारे अर्थिंग के इलेक्ट्रोड होंगे उन्हें समांतर क्रम में लगाने पर अर्थ का जो तुम्हारे रेजिस्टेंस हो जाता है और कम हो जाता है। नेक्स्ट दिया तुम्हारा IE नियम 90 के अनुसार, जो ओवरहैंड लाइन या बोल सकते हैं स्लोपड़ी लाइन के सारे धातु भाग भू संपर्कन होना चाहिए, इसके लिए लाइन के प्रति 1.609 किलोमीटर या बोल सकते हैं 1 मील लगभग समान दूरी पर 4 भू संपर्कन किए जाने चाहिए, कितने किए जाने चाहिए तुम्हारे 4 भू संपर्कन किए जाने चाहिए। नेक्स्ट दिया तुम्हारा 7 नंबर दिया है, तो सरोपड़ी लाइन के भू संपर्कन के लिए, यानी सरोपड़ी लाइन होती है तुम्हारी ओवरहैंड लाइन के भू संपर्क या अर्थिंग के लिए पाइप भू संपर्कन पाइप अर्थिंग प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी तुम्हारी सरोपड़ी लाइन के लिए क्या होनी चाहिए, अर्थिंग के लिए क्या होनी चाहिए, पाइप भू संपर्कन क्या बोल सकते हैं, पाइप अर्थिंग प्रयोग की जानी चाहिए हमेशा, किसके लिए, ओवरहैंड लाइन के लिए।
तो दोस्तों जो मैंने तुम्हारे वन लाइन क्वेश्चनों के बारे में बताया, तो मेरी वीडियो बढ़िया लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी इसी की तुम्हारी वन लाइन क्वेश्चन या मैं इसी के थ्योरी के पर आधारित मैं वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगा। मेरी वीडियो बढ़िया लगे तो ध्यान रखना, सब्सक्राइब जरूर करना है तुम्हें। थैंक यू।